हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों आप पढ़ रहे थे सारणिक, और सारणिक के कई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन आज का जो हम ले रहे हैं वो है विविध प्रश्न वाला चार का क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसका LHS लिख रहा हूँ। LHS है ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें माइनस सी माइनस बी। यहाँ पर माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। और जो आर एच एस है, मतलब जो हमारे को आंसर चाहिए वो है इसमें टू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये आंसर हमारे को लेकर के आना है, ठीक है क्या। तो देखिएगा किस तरीके से ये आंसर आता है। भैया ध्यान रख लेना कि जो भी हम संख्या लगाते हैं किसी क्वेश्चन में, वो ज्यादातर संख्या आंसर के आधार पर लगाते हैं कि आंसर क्या है। यहाँ पर आप आंसर में देख सकते हो कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में बी प्लस सी और एक में सी प्लस ए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संख्या लगने से ए प्लस बी या बी प्लस सी या सी प्लस ए में से वो जरूर बन रहा होगा। तीनों में से कोई भी एक ब्रैकेट जरूर बन रहा हो जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो जरा देखिएगा, यदि हम इस सीवन में, ये है हमारा कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है और ये कॉलम थर्ड है। तो यदि हम इसमें सीवन में सी टू ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी में माइनस सी जोड़ोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो भी ए प्लस बी बचेगा, और ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या बचेगा, ए प्लस बी ही बचेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा ना, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी ही बचेगा, ठीक है। तो फिर a प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे। सेम इसी तरीके से यदि हम c2 में परिवर्तन करें, और परिवर्तन किस टाइप का करें, c2 प्लस c3, तो इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, b प्लस c, और इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो भी क्या आएगा, b प्लस c आएगा। और सेम इसी तरीके से यहां पर भी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, b प्लस c ही आएगा। तो यहां पे मैं दो संख्याएं एक साथ लगा रहा हूं, और दो संख्याएं हम एक साथ लगा सकते हैं। तो C1 में हम किस प्रकार का चेंज करेंगे, किस प्रकार का, कि C1 प्लस C2, एक तो ये संख्या हो गई, और एक C2 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि C2 प्लस C3, ठीक है। देखिएगा C1 प्लस C2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा A प्लस B, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A प्लस B आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में, क्या बन जाएगा, A प्लस B बन जाएगा, ओके। C2 में हम इस प्रकार का चेंज करेंगे C2 plus C3, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, B plus C आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, B plus C आएगा, और ऐसे यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, B plus C आएगा, ठीक है क्या। आगे आ गया माइनस बी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये तो ऐसे कैसे रहेगा, तीसरा कॉलम है और तीसरे कॉलम में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रथम जो कॉलम है, फर्स्ट जो कॉलम है, यहाँ से a प्लस बी बाहर आ जाएगा और यहाँ से b प्लस सी बाहर आ जाएगा। तो क्या हो गया, a प्लस बी, बी प्लस सी, इसको दोबारा ले लिया, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, वन वन माइनस वन, माइनस वन वन और वन, यहाँ पे b माइनस a, a प्लस बी प्लस सी, ओके। अब वापस यदि आप इसमें कोई संख्या लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, नहीं लगाना तो मत लगाइए। आप इसका प्रसार करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं फिर आप जीरो बना लीजिए। क्या बना लीजिए, जीरो बना लीजिए। और जीरो कैसे बनेगा, जब आप इसमें ये जोड़ दोगे, भाई ये आर वन है, ये क्या है, आर वन है, और ये क्या है, आर टू है। तो यदि आप आर वन प्लस आर टू करते हो तो देखो ये तो हो जाएगा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यदि आप R2 में R3 जोड़ते हो तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और फिर आप इसका क्या कर लोगे, प्रसार कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपने और भी कुछ नहीं तो प्रसार करना तो जरूर सीखा होगा, और ये प्रसार करना यदि आपको नहीं आता है तो फिर सारणिक या आव्यूह में कुछ भी नहीं आता है, ये ध्यान रखना। सारणिक मतलब प्रसार करना तो आना चाहिए प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ के सापेक्ष, ओके। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, आपको क्या करना है आगे पता है, करना क्या इसमें कुछ नहीं करना है, या तो आप डायरेक्टली प्रसार कर लो, या फिर और संक्रिया लगाना चाहते हो तो और संक्रिया लगा के भी प्रसार कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है इस प्रश्नावली में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये प्रश्नावली इस बुक की सबसे सरल प्रश्नावली है, और सरल प्रश्नावली इसका मतलब आपको आना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, और इसमें रह रहा है LHS। इसका LHS है बच्चों ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर है 2B और 2C। सर इसी तरीके से यहाँ पर है 2AB माइनस सी माइनस ए, यहाँ पर है 2C, ठीक है, और इधर है 2A 2B और सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। और इसका जो आंसर हमारे को लेकर के आना है, इसमें देखो बच्चों इसका आंसर है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ध्यान में रख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो शुरू करते हैं, वही बात, संख्या लगाने के लिए आप किसके पास में जाओगे, आंसर के पास में जाओगे। आप गए आंसर के पास में, पता चला आंसर में ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी कब आएगा, जब किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, तभी तो आप उसको बाहर लोगे। तो कोई ऐसी संख्या लगाओ जिससे ए प्लस बी प्लस सी आपके पास में बन जाए, और वो तभी बन सकता है जब आप या तो इन तीनों कॉलमों को एक जगह जोड़ दीजिए, या फिर इन तीनों पंक्तियों को एक जगह जोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐड करके यदि हम देखते हैं, तीनों को ऐसे ऐड करते हैं तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें। ऐसे ऐड करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2a है और यहाँ पर भी क्या है 2a, तो 4a को जब आप इसमें ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी नहीं बन रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ऐड करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसे ऐड करेंगे, पंक्तियों को ऐड करते हैं, तो ये है 2b और ये है 2c, तो जब इसमें ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी ही बनेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये है बच्चों R1, ये है R2 और ये क्या है R3। तो यहाँ पर जो मैं पहली संक्रिया लगा रहा हूँ वो ये लगा रहा हूँ कि R1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे, किस प्रकार का, कि R1 प्लस R2 प्लस R3। साहब ये संक्रिया लगाने से मतलब क्या था, क्या फायदा हो रहा है, अभी आपके सामने है, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि क्या फायदा है। तो R1 की जगह पर आपको क्या लिखना है, तीनों को जोड़ के लिखना है, तो इन तीनों को जोड़ के यहीं पर लिख दीजिए, तो क्या आएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, और फिर से क्या आएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए बाकी जिनमें आपने चेंज नहीं किया उनको आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2c, यहाँ पे 2b c माइनस माइनस b। अब बताओ यहाँ ऊपर वाली पंक्ति में सभी के पास में a प्लस बी प्लस सी है क्या, बिल्कुल है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने a प्लस बी प्लस सी को बाहर ले लिया और अंदर आ गया 1, 1 और 1, नीचे है 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c, और यहाँ पर है 2b c माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब आगे देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। भैया वहां पर जो आंसर है उसमें a प्लस बी प्लस सी की घात 3, और आपके पास में अभी एक घात है तो 2 घात और बाकी है। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब किसी पंक्ति या स्तंभ में एक एक और एक दिखाई देता है तो हम 2 जीरो बना लिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या 2 जीरो बनाने से फायदा है, 2b में से यदि मैं इसको घटाऊंगा, 2b में से इसको यदि मैं घटाता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और यहाँ पर देखो 2c है तो 2c में से 2c का तो 0 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और सेम इसी तरीके से आप इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा, वही a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 संख्या हम और लगा रहा हूँ, कौन सी, 0 बनाने वाली, हमारा उद्देश्य तो 0 बनाना ही होता है, और फिर आगे खुद ही सॉल्व हो जाता तो उसका हम क्या कर सकते हैं, ये है c1 और ये है c2, तो c1 में से c2 घटाएंगे तब यहाँ पर 0 बनेगा, और c2 में से c3 घटाएंगे तब यहाँ पर 0 बनेगा। तो यहाँ पर बच्चों संख्या लगा रहे हैं, c1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि c1 माइनस c2, और c2 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि c2 माइनस c3, 2 संख्याएं लगा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों मान रहेगा a प्लस बी प्लस सी, और c1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, c1 में किस प्रकार का चेंज करें, c1 माइनस c2, तो बता दीजिए एक में से एक गया तो 0। अब देखो 2b में से ये चीज घटाओगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी, और देखो 2c में से 2c कर दो बच्चों कितना आएगा, जीरो, कितना आएगा जीरो, ठीक है। अब दूसरी संक्रिया है क्या इसमें, दूसरी संक्रिया है कि c2 में हम चेंज करेंगे, और c2 में किस प्रकार का चेंज करें, c2 माइनस c3, तो c2 की जगह पे लिखना है c2 माइनस c3 करके, तो एक में से एक गया तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस c माइनस एन से जब 2b को उठाओगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस का चेंज, तो कुल मिला के यहाँ पे बीच में बनेगा माइनस कॉमन लेने पर ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर आप देखिएगा 2c में से ये भी तो घटाना पड़ेगा, तो 2c में से जब ये घटाओगे तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी बनेगा, और लास्ट वाले कॉलम को ऐसे लिखना है वन टू बी वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको आती है संक्रिया लगाना, अगर आपको आती है संक्रिया लगाना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप इस तरीके से इसमें कर सकते हो। अब ये बताओ क्या करना है, अरे इस स्तंभ में सभी के पास में क्या है a प्लस बी प्लस सी है, और इस स्तंभ में भी सभी के पास में क्या है a प्लस बी प्लस सी है, तो एक बार यहाँ से बाहर ले लीजिए, एक बार यहाँ से बाहर ले लीजिए, तो एक घात तो पहले थी, दो और आ जाएगी, तो कितनी घात होगी भैया, तीन घात, a प्लस बी प्लस सी की घात कितनी, तीन। अब अंदर क्या बच गया, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, जीरो, यहाँ पे देखो जीरो माइनस वन, वन वन टू बी सी माइनस ए माइनस बी, और अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है प्रसार, और वो भी किस पंक्ति के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, क्योंकि इसमें कितने जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो देखिएगा प्रसार हम कैसे करते हैं, ये तो ऐसे रहेगा a प्लस बी प्लस सी की घात तीन। वैसे आपको पता चल गया होगा बिना प्रसार किए हुए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि हमारा आंसर तो आ चुका है इतना ही है, और इसको जब हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बचेगा, तो देखते हैं एक आएगा या नहीं आएगा। चलो जी, इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं, तो जब आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने बैठ गए हो तो फिर बताओ प्रथम एलिमेंट को लेने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, इसको भी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये दोनों जीरो है, तो तीसरे अवयव की बात करते हैं, तो ये लिख दिया ए, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ना पड़ेगा, इनको गुणा कर लीजिए वन, फिर माइनस, इनको गुणा करोगे तो जीरो, या इसका चिन्ह देख लीजिए आप, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो प्रथम पंक्ति में फिक्स है कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ गया, एक आ गया, एक को इससे गुणा करोगे तो आपको क्या गया, और जैसे आ गया, गॉट इट। ये बात आपका दिमाग में घुस गई क्या? देखिए बच्चों, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं निकाल रहे हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको पास करा दे, ये ध्यान रख लेना। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी क्लास ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्लास लेने से सब कुछ होता ना, तो आज तक सब नौकरी लग गए होते, सबके 100 में से 100 आ गए होते। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे इतने चैनल चल रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ पढ़ाया जा रहा है, सब लोग उनको देखते हैं, तो क्या देखने से सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों, क्या करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, और मैं जानता हूँ कि आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपको समय नहीं मिल रहा होगा सोने का, खाने का, है कि नहीं, लगे रहो, हम भी लगे रहते हैं। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सर, बिल्कुल वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो एग्जाम में बनते हैं, और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है एक्स जेड वाई, यहाँ पर वाई एक्स जेड, ये तो आपका एलएचएस, और यहाँ पर बच्चों जो आंसर है वो आंसर है x प्लस वाई प्लस जेड का, नहीं x माइनस जेड का, और इसको ये आपका आंसर है। तो ये जब हमारे सामने आंसर होता है तो फिर क्वेश्चन मान के चलिए सरल हो जाता है, क्योंकि आंसर को देख के आप कुछ ना कुछ जरूर सोच सकते हो, समझ सकते हो। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जिसमें a प्लस बी प्लस सी हम बनाते हैं, बाहर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे x y और z है, तो जरा देखिएगा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। भैया x प्लस y प्लस z कैसे बनेगा, क्या इसको मैं ऐसे जोड़ू तब बनेगा या ऐसे जोड़ू तब बनेगा,
तो कॉलम को यदि आप जोड़ते हो तो कुछ नहीं बनेगा एक्स वाई जेड, लेकिन जब आप पंक्तियों को मतलब आर वन आर टू और आर थ्री को यदि आप ऐड करते हो इस तरीके से तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया। तो संख्या कौन सी लगाओ, आर वन में इस प्रकार का चेंज करें, किस प्रकार का, कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, तीनों को जोड़ के आ रहे हैं फिट कर रहे हैं, अब जोड़ दो ये तीनों और यहीं पे लिख दो। तो देखो x भी दो बार है, y भी दो बार है, z भी दो बार है, तो दो कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनेगा x प्लस y प्लस z, और ये तो हम चाहते हैं। ऐसे इन तीनों को जोड़ के यहाँ पे टिका दो तो x प्लस y प्लस z और आगे क्या जाएगा x प्लस y प्लस z, नीचे है z प्लस x, x प्लस y, z y और x z। ओके अब भैया कोई मूर्ख ही होगा जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि आगे क्या करना है। अरे आगे तो वही करना है, क्या इनको कॉमन लेना है, मतलब बाहर लेके लिखना है, ठीक है तो बाहर ले लीजिएगा x प्लस वाई प्लस जेड आ गया बाहर, जो कि आंसर में है ऊपर बचा है टू वन और वन, यहाँ पे है जेड प्लस एक्स, जेड एक्स एक्स प्लस वाई और यहाँ पे वाई जेड। ओके अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, ये बताते रहेंगे ना हर बार सर, अब क्या करें, अब क्या करोगे, कुछ भी कर लो आप, तुम चाहो तो आप प्रसाद कर लो, प्रसाद से भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है क्या, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जीरो बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी जीरो बना सकते हो, दो जगह पर जीरो बना के प्रसार कर लो। तो मेरे को बताओ यहाँ पर जीरो कब बनेगा, जब आप इसको दो से गुणा करके इसमें रखोगे, और यहाँ पर जीरो कब बनेगा, जब आप डायरेक्टली बैठाओगे। तो मैं दो संख्याएं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि C1 में इस प्रकार का सेम करेंगे कि C1 माइनस टू सी टू, अरे C2 को दो से गुणा करके इसमें से घटाओगे तभी तो जीरो बनेगा। और यहाँ पर कौन सी संख्या लगा रहे हैं, ये वाली C2 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि C2 माइनस C3 डायरेक्टली। तो देखिएगा x प्लस वाई प्लस z, C1 की जगह पे क्या लिखना है, C1 माइनस टू सी टू, C2 को दो से गुणा करके घटाओ, तो C2 को दो से गुणा करके घटाओगे दो में से दो गया जीरो, इसको भी दो से गुणा करके इसमें से घटाओगे जेड प्लस एक्स, दो से गुणा किया टू जेड हो गया, माइनस लगा दिया तो क्या आएगा एक्स माइनस जेड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे टू से गुणा करके तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब C2 में किस प्रकार का चेंज करना है, C2 माइनस C3 का, तो घटा के लिख दीजिए जीरो जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड वन एक्स जेड। और भैया अब आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका क्या करोगे, प्रसार करोगे, तो फिर इसको लेने की आवश्यकता है नहीं, इसको लेने की आवश्यकता है नहीं, बस एक लोगे इसको इससे गुणा करके और इन दोनों को गुणा करके आपस में बैठाना है, बैठाते क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके आया क्या कुछ दिमाग में, अरे कुछ दिमाग में आया क्या, एक बार स्कूल आ जाओ आप, फिर आपकी सेवा करते हैं, है कि नहीं, कितना आप पढ़ रहे हो कितना आप नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो बात की बात है, आप तो सही आपका स्वागत कर रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें भैया LHS है आपका 1 1 और 1, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और भैया हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और साथ में है ए प्लस बी प्लस सी, ये तो भैया याद ही रख सकते हैं, रट लो इसको, कई बार कंपटीशन एग्जाम में बनेगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाता है, तो जब ऐसा दिखाई दे ऐसा तो वन वन और वन ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, तो उसका आंसर ये होता है क्या a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ब्रैकेट में है a प्लस बी प्लस सी। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम संक्रिया के हिसाब से सॉरी आंसर के हिसाब से संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया के हिसाब से आंसर जरूर लगाएंगे, आंसर के हिसाब से क्या लगाते हैं संक्रिया लगाते हैं। अब आंसर में क्या आ रहा है a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो भैया जरा दिमाग लगा के बताना कि यहाँ पे a माइनस बी कब बनेगा, जब a में से b घटाओगे मतलब इसमें से a घटाओगे इसमें से a घटाओगे, b माइनस सी कब बनेगा जब b में से c घटाओगे। तो यहाँ पे दो संख्या लगा रहा हूँ कौन सी, कि c1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे कि c1 माइनस c2,
और C2 में इस प्रकार का चेंज करेंगे C2 माइनस C3, दो संक्रियाएं लगा रहे हैं एक साथ, तो देखिएगा C1 में क्या चेंज करेंगे, C1 माइनस C2 तो कीजिए जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, वन C C क्यूब, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो इस वाले स्तंभ में यहां पर क्या है a माइनस बी है और यहां पर भी क्या है a माइनस बी है और यहां पर भी क्या है a माइनस बी है, वैसे आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो जब a माइनस बी को बाहर लेंगे तो ये बच जाएगा, तो यहां से तो क्या बाहर आ रहा है a माइनस बी और यहां से क्या बाहर आ रहा है b माइनस सी बाहर, तो यहां पर a माइनस बी को बाहर ले लिया b माइनस सी को ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा जीरो एक, और यहां से जब a माइनस बी बाहर गया तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, और यहां पर b माइनस सी बाहर गया तो जीरो वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी बचेगा, और यहां पर वन सी सी क्यूब। अब देखो आंसर आपका ये था, ठीक है, तो इस आंसर में से कितना आ गया a माइनस बी आ गया b माइनस सी आ गया, और अब क्या लेकर के आना है c माइनस a लेकर के आना है, क्या c माइनस a, तो ऐसी कोई संक्रिया है आपके पास में जिसको लगाने से c माइनस a आ जाए, ऐसी कोई संक्रिया है, तो यदि मैं इसमें से ये घटाता हूं इसमें से तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी सी, तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, इन दोनों को यदि हम देखते हैं तो इनके गुणनफल क्या हो जाएंगे a माइनस सी और a प्लस सी, और इन दोनों में से क्या को बना रहा है b को बना रहा है, b को कॉमन ले लिया, ठीक है, क्या तो क्या बनेगा a माइनस सी बनेगा, तो फिर a माइनस सी एक बार और कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बचेगा, इसका मतलब आपके पास की संख्या है, आप संख्या यहां पे लगाओगे बच्चों कौन सी ये बात इसमें से इसको घटाओ और घटाने से क्या होगा यहां पे जीरो और यहां पे वो चीज बन ये बनेगी जिसमें से हम a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी बाहर ले सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, तो यहां पर बच्चों संक्रिया कौन सी लगा रहे हैं जरा समझने की कोशिश करना, संक्रिया ये है, अरे नालायक हो, संक्रिया ये है कि c1 में इस प्रकार का चेंज करेंगे c1 माइनस सी तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, ओके c1 में चेंज करना सिर्फ c1 में, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, एक में से एक गया जीरो, और इसमें से इसको घटाया और कैलकुलेशन अभी की है आपके सामने, तो हमारे पास में क्या आया था a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, c माइनस सी नहीं आया था a माइनस सी आया था, आंसर को देख के आगे c माइनस सी मत कर देना, और बाकी ऐसे कैसे रहेगा जीरो वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी सी, यहाँ पे वन सी सी, ओके। अब बताओ रहे इस स्तंभ में क्या है सबके पास में, ये है, और जीरो के पास में कुछ भी हो सकता है, तो इसमें से हम ये पूरा बाहर ले सकते हैं, तो जैसे आप पूरा बाहर लेते हो क्या आएगा a माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये तो आ गया बाहर, तो अंदर क्या रहेगा इसके पास में यहाँ पे ये रह जाएगा, और फिर आप इसका कर लोगे प्रसार, प्रसार करोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस वन, कितना आएगा माइनस वन आएगा, ये ध्यान रखो सॉल्व करने का, ठीक है क्या, और जब माइनस वन आता है और माइनस वन से गुणा करोगे तो ये सी माइनस ए हो जाएगा, ओके। देखिए बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने आपको आज बताया है उनको एक बार फिर से निकालिएगा, और नहीं आ रहे हैं तो फिर से वीडियो को देखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।